एक न्यूज 24, मैं हूं श्रेया आपके साथ। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, भोजपुरी के जानी मानी एक्ट्रेस यानी अक्षरा सिंह काफी फेमस रहती है और लोगों के बीच चर्चे का विषय भी बनी रहती है। अक्षरा सिंह के कई ऐसे मशहूर गाने हैं जो लोग काफी पसंद करते हैं। यहाँ तक कि जब बात की जाए बिहार की जनता की, तो अक्षरा सिंह के नाम से ही लोगों के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है। वही अक्षरा सिंह जो अक्सर भोजपुरी सुपरस्टार यानी पवन सिंह के साथ भी नजर आती है, और कहा जाए तो पवन सिंह के साथ कई गानों में काम भी कर चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल, अक्षरा सिंह आए दिन अपने गाने और मूवीज को लेके काफी ज्यादा पॉपुलर रहती है और उनका फैन बेस की माने तो चाहे उनके गाने के तरीके हो चाहे उनकी एक्टिंग के, लोग काफी ज्यादा फैन है उनकी। उनकी कहा जाए तो उनके कॉन्सर्ट्स में लोगों की कतार लगी रहती है, लोग उनकी एक झलक देखने के लिए तरसते हैं। लेकिन आपको बता दें कि उनसे रिलेटेड आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ऐसा क्या हो गया यूपी में जब वो गई थी अपने परफॉर्मेंस देने के लिए, ऐसा क्या हो गया जब उन कहा जाए तो उनके कॉन्सर्ट में जूते चप्पल बाहर आने लगी, वो उनके ऊपर पड़ने लगे, क्या कुछ? जी श्रेया, जैसा कि अभी आपने बड़ी बात कह दी, अक्षरा सिंह के कॉन्सर्ट यानी कि अक्षरा सिंह जैसी वहां पे जाती है काफी खूबसूरत लगती है वाकई अक्षरा सिंह। लोगों से एक वीडियो भी वहां सोशल मीडिया पे पोस्ट करती, उनका साफ तौर पे वहां कहना है जाते हुए कि मैं जहां आई हूं यहां की जनता तो मेरा दिल जीतते हैं, यानी जनता से काफी लगाव रखती है अक्षरा सिंह। लेकिन इस वक्त की बड़ी बात हो जाती है, आखिर ऐसा क्या हो गया वहां पे कि वहां से जूते चप्पल चलने लगे। अक्षरा सिंह कई बार ऐसा उनके साथ हो चुका है, कहीं भी प्रोग्राम करने जाती है तो विवादों का कारण तो वो बनी जाता है क्योंकि अक्षरा सिंह है। इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ती है कि लोग एक दूसरे पर चढ़कर कहा जाए तो भगदड़ की मच जाती है अक्षरा सिंह के गाने सुनने के लिए। जैसे ही अक्षरा सिंह स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए पहुंचती हैं, अभी गाने गाना शुरुआत ही करती है कि लोगों के अंदर भीड़ और जोश कुछ इस कदर बढ़ जाता है कि वहां पुलिस प्रशासन भी परेशान हो जाते हैं। जी श्रेया, जिस तरह से अक्षरा सिंह वहां पे जाती है, आपने देखा होगा वीडियो सोशल मीडिया पे कि किस तरह से लोग एक दूसरे पर चढ़ करके अक्षरा सिंह के जय जयकार भी लगाने लगते हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़ी बात हो जाती है कि भीड़ की वजह से लोगों के अंदर हाथापाई जैसे मामले भी सामने आ जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरीके से कहा जाए तो इतनी ज्यादा फैन बेस थी उनकी कि लोगों के बीच काफी ज्यादा भगदड़ सी मच गई, कहा जाए तो उनमें उनके अंदर गुस्सा सा उमड़ गया कि और इतना ज्यादा वो कहा जाए तो वो भीड़ बेकाबू हो गई कि उनके बीच कहा जाए तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया जो पुलिस के भी हाथों से बाहर निकल गई। जब इतना ज्यादा विवाद ये बढ़ गया कि एक दूसरे पर लोग जूते चप्पल तक चढ़ाने लगे, खाली बोतलें और क्या कुछ नहीं एक दूसरे पर चढ़ाने लगे, और इसी के शिकार में जो पूरा माहौल था वो इसके कटोच में आ गया। जैसा कि वहां पे माहौल हो गया, यहाँ तक कि इतने ज्यादा जूते चप्पल चलने लगे कि अक्षरा सिंह के स्टेज पे भी लोग जूते चप्पल और कहा जाए तो पानी की खाली बोतलें चलाना शुरू कर दिए। इसी कारण की वजह से अक्षरा सिंह तुरंत परफॉर्म छोड़ करके स्टेज से भाग जाती हैं यानी चली जाती हैं। लेकिन वहां पुलिस प्रशासन इसके साथ सख्त कार्रवाई करती है, पुलिस प्रशासन वहां लोगों पर लाठी चार्ज कर देते हैं क्योंकि भीड़ बेकाबू हो गई थी, झगड़ा संभलने को नाम नहीं ले रहा था। इस दौरान लाठी चार्ज भी हुआ था, जमकर बवाल होता है और इसका पूरा वीडियो सोशल मीडिया पे अक्षरा सिंह अभी तक अपनी टिप्पणी बयान नहीं की है। हालांकि प्रोग्राम में जाने से पहले अक्षरा सिंह लोगों को लेकर के काफी अपनी प्रेम उमड़ा रही थी, लेकिन जैसे ये विवाद होता है अक्षरा सिंह भी शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं उनका बड़ा कॉन्सर्ट था, कॉन्सर्ट में आते ही वो गाना शुरू करती है लेकिन जूते चप्पल चलना कहीं ना कहीं उनके नाम के उनके कॉन्सर्ट का अवहेलना करना हुआ। इस पर क्या कहना चाहेंगे श्रेया? जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरीके से वो कहा जाए तो इतनी दूर ट्रैवल करके वो गई थी, अपने परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया था, और जैसा कि प्रिया ने बताया कि वो अपने परफॉर्मेंस के पहले भी प्रेस से बात की, रिपोर्टर से बात की, और वो अपना बता रही थी किस तरीके से वो काफी ज्यादा खुश है। वो क्या दिखा रही थी कि उन्हें वो जब भी यूपी आती है उन्हें लोगों के बीच में ढेर सारा प्यार मिलता है, लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं, उनका फैन बेस जो है उनके लिए काफी ज्यादा उनके मन में इज्जत है और प्रेम है। तो उसके जस्ट बाद जब वो स्टेज पे जाती है और ऐसी घटना हो जाती है तो उसके बाद वो काफी ज्यादा शर्मिंदगी होती है और उसके बाद वो तुरंत स्टेज से उतर जाती है। इसके बाद कहा जाए तो सोशल मीडिया पे जब ये जो
वीडियो है वो जमकर वायरल हो रहा है, लोग इनसे काफी ज्यादा कहा जाए तो सवाल पूछ रहे हैं, और उनके कॉन्सर्ट और उनकी जो इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही भारी पड़ गई, ऐसा भी लोग जरूर कह रहे हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि अक्षरा सिंह के परफॉर्म कॉन्सर्ट में किस तरह से बवाल मचते हैं, लोगों ने जूते चप्पल और पानी की खाली बोतलें चलाना शुरू कर देते, इस दौरान लाठी चार्ज भी होती है। लेकिन अक्षरा सिंह के सोशल मीडिया पे कई लोगों का उस वीडियो को लेकर साफ कहना है कि अच्छा हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसे कई तरह के कमेंट्स भी आने शुरू हो गए हैं। वहीं कई लोगों का ये भी साफ तौर पे कहना है कि ये पहली बार नहीं है, अक्सर ऐसा हुआ करता है अक्षरा सिंह के कॉन्सर्ट में। तो आपकी क्या राय है आप भी जरूर बताइएगा, और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद।